धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर थाना सेक्टर के अंतर्गत 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म की घटना बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीथमपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय युवती के पड़ोस में रहने वाला किराएदार आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कई बार उसके साथ जबरन संबंध बना चुका है। आरोपी धमकी दे रहा था, पीड़िता को अगर इस बात की किसी को बताई तो उसके परिवार को जान से मार दूंगा। जब पीड़िता ने जबरन संबंध बनाने को लेकर विरोध किया तो पीड़िता और उसके पति के साथ आरोपी ने मारपीट की। पीड़िता के परिजनों के साथ थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने आरोपी संजीव निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। 376 का मामला दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? कल शाम को एक फरियादिया ने आकर थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि उसके साथ एक आरोपी के द्वारा डरा धमकाकर पानी के पीने के लिए बुलाकर उसके साथ संबंध बनाए थे, शारीरिक संबंध बनाए थे, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको डराया धमकाया था कि तूने बात घर में किसी को बताई तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। और इसी तरह डराकर पीड़िता के साथ कई बार संबंध बनाता रहा। कल पीड़िता को पुनः एक बार उसने संबंध बनाने की बोला, जिसे पीड़िता ने मना कर दिया, तो उसने उसके साथ मारपीट करी और उसके फरियादिया के पिता के साथ भी मारपीट करी है। जिसके बाद वो लोग थाने आए। थाने पर आने के बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और FIR भी कर ली गई। अच्छा, इसमें एक मामला बताया जा रहा है कि कोई फोटो वगैरह भी उसने ले रखे थे, उसको लेके भी वो डरा धमका रहा था और इस तरीके से संबंध बना रहा था। इस संबंध में पीड़िता ने कोई जानकारी नहीं दी है और मामला जांच में है, जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम बता दें। सब इंस्पेक्टर हीना जोशी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।